गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इन योर टॉक टाइम पीरियड वी डू चैप्टर नंबर 3 रीडिंग लंच टाइम। चैप्टर का नाम क्या है? लंच टाइम। लंच मीन्स दोपहर का खाना, टाइम मीन्स समय, दोपहर के खाने का समय। नमन एंड जूही आर ब्रदर एंड सिस्टर। नमन और जूही भाई बहन हैं, ठीक है। दे कम बैक फ्रॉम द स्कूल, वे स्कूल से वापस घर आए हैं। इट इज़ द लंच टाइम, यह क्या है? लंच टाइम, दोपहर के खाने का समय है। देयर मदर टेल देम टू चेंज देयर चेंज द यूनिफॉर्म एंड टेक द शीट ऑन डाइनिंग टेबल। उनकी माँ ने उन्हें क्या कहा? वर्दी बदल लेंगे, यूनिफॉर्म मीन्स स्कूल की जो ड्रेस होती है उसको बदलो और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाओ। दिस इज द कॉन्वर्सेशन बिटवीन दैम, लेट अस रीड इट। यह उनके उस टाइम की कॉन्वर्सेशन, उनकी बातचीत है। लेट अस रीड, आइए से पढ़ते हैं। नंबर वन, मोम हाउ वाज यूअर डे एट स्कूल। माँ क्या पूछती है कि आज स्कूल में तुम्हारा दिन कैसा था? नमन एंड जूही, इट वाज फन मोम। नमन और जूही दोनों एक साथ आंसर देते हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छा था मोम, बहुत मज़ा आया। मोम गुड, नाउ चेंज यूअर यूनिफॉर्म एंड वॉश यूअर हैंड्स एंड माउथ, देन आई विल सर्व लंच टू यू। ये मोम जो है, यानी माँ क्या कहती है कि बहुत अच्छा, अगर आपका दिन अच्छा गया है तो अब क्या करो, आप यूनिफॉर्म चेंज कर लो, अपने हाथ धो लो और मुंह धो लो, फिर मैं आपको जो है लंच सर्व कर देती हूँ, परोस देती हूँ खाना आपको, दोपहर का खाना। मोम, सॉरी ये आएगा, नमन एंड जूही वी आर फ्रेश नाउ। नमन और जूही जो है हाथ मुँह धोकर कपड़े वपड़े चेंज करके आ जाते हैं और बोलते हैं वी आर फ्रेशन अप, फ्रेशन यानी हम हाथ मुँह धोकर आ गए हैं। मोम वेल टेक योर शीट ऑन द डाइनिंग टेबल। माँ क्या कहती है कि डाइनिंग टेबल पर अपनी शीट ले लो, अपनी शीट पर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाओ। नमन, मोम व्हाट हैव यू प्रिपेयर्ड इन लंच। नमन पूछता है कि माँ आपने जो है लंच में आज क्या बनाया है। मोम हेयर आर यूअर फेवरेट मटर पनीर एंड फ्राइड लेडी फिंगर। मैं क्या, माँ क्या कहती है कि मैंने तुम्हारा जो है फेवरेट मटर पनीर बनाया है और लेडी फिंगर बनाया है फ्राइड। नमन इट्स सो नाइस ऑफ यू मोम। नमन कहता है कि आप बहुत अच्छी हैं मोम, और ये जो आपने खाना बनाया है उसके लिए बहुत खुश है वो, यानी। जूही व्हाट अबाउट मी मोम। जूही पूछती है कि माँ मेरे लिए क्या बनाया है। फिर माँ क्या आंसर देती, बेटा मोम आई हैव मेड मिक्स वेजिटेबल एंड कुकुम्बर रायता स्पेशली फॉर यू, यू लाइक देम डोंट यू। माँ कहती है कि मैंने जो है मिक्स वेजिटेबल यानी मिक्सचर सब्जी जो होती है वो बनाई है, और कुकुम्बर रायता यानी कि खीरे का रायता आपके लिए बनाया है स्पेशली। यू लाइक देम डोंट यू, आपको पसंद है ना या नहीं, यानी कि माँ उसे पूछते कि जी आपको खीरे का रायता जो है बहुत पसंद है ना, इसलिए मैंने आपके लिए स्पेशली वो बनाया है। जूही यस मोम आई लाइक देम वेरी मच। जूही कहती कि हाँ माँ मैं ये रायता जो है मुझे बहुत पसंद है। थैंक्स मोम, धन्यवाद माँ। मोम क्या कहती फिर, नाओ ईट द फूड आई एम सर्विंग यू, चू यूअर फूड प्रॉपरली, गुड ईटिंग हैबिट्स आर नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। नाओ ईट द फूड, माँ कहती है कि चलो अब खाना खाओ, मैं तुम्हें खाना परोस रही हूँ। चू यूअर फूड, अपने खाने को अच्छे से चबा चबा कर खाना। गुड ईटिंग हैबिट यानी कि अच्छी खाना खाने की जो आदतें हैं वो अच्छी आदतें, नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी होती हैं। नमन देयर इज़ मोर साल्ट इन ब्रेंजल करी मोम, आई वुड नॉट ईट इट। नमन कहता है कि माँ ब्रेंजल करी जो है उसमें जो है नमक ज़्यादा है, मैं इसको नहीं खाऊँगा। मोम नो
यू शुड ईट इट, माँ कहती कि नहीं तुम्हें ये खाना है। यू कैन राइदर नोट पुट साल्ट इन द रायता, मोम कहती है कि अगर तुम्हें इसमें सब्जी में जो है ना करी की सब्जी है इसमें नमक ज़्यादा लग रहा है तो तुम अपना रायते में नमक मत डालो, फिर जो है आपको ज़्यादा नहीं लगेगा। नमन दैट्स गुड आइडिया, नमन कहता है कि बहुत अच्छा तरीका है, गुड आइडिया। मोम हैव सम मोर रायता, माँ कुछ और रायता भी लो। माँ किसको कहती है, नमन को, कि ले कुछ और रायता भी ले ले। नमन एंड जूही, नो मोम वी हैव ईटन टू आवर एपिटाइट, एपिटाइट मीन्स भूख। नमन और जूही कहते हैं कि नहीं माँ, हमने जितने हमें जितनी हमें भूख थी हमने वो खा लिया है। बोथ द चिल्ड्रन लीविंग द डाइनिंग टेबल टू टेक रेस्ट, दोनों बच्चे जो हैं डाइनिंग टेबल को छोड़कर यानी खाना खा के उठकर चले जाते हैं रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए। अभी आपको करना क्या है, इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है एंड वर्ड मीनिंग्स को नोटबुक में नोट डाउन करके उनको अच्छे से लर्न करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।